एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू श्री व्लॉग्स। तो अभी आज गौर साहब निकलेंगे तो वापस काम से, तो अभी बस जल्दबाजी में है थोड़ा, और आज मागी किटी भी है तो बस मैं भी अभी गए हुए नहाने, तो मैं भी अपना फ्रेशन अप होके फटाफट से नीचे जाती हूँ और कुछ नाश्ता करते हैं। तो जी मैं तो नहा धो के आ गई हूँ, हेयर कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक हेयर कॉम नहीं करो ना तब तक लगती नहीं आपकी शक्ल नहाई धोई सी, तो ये ज़रूरी है। और अपनी सनस्क्रीन मैंने लगा ली और मैं कुछ नहीं करूँगी, बस हल्का सा ब्लश लगाऊंगी, दैट्स इट। ऐसे मुझे ना रबर बैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बस मैं ऐसे ही वो करके ना, मतलब हेयर ऐसे मैं टाई कर लेती हूँ, मतलब मेरे बाल रुके रहते हैं। हाँ, अगर हेड वॉश किया हो तो नहीं, बट तो मैं खोल लेती हूँ अभी। अच्छा हाँ, मेरे से कोई मतलब सब लोग पूछ रहे थे कि स्किन केयर रूटीन बताइए प्रेगनेंसी में क्या यूज़ कर सकते हैं या क्या चीज़। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करती हूँ मैं स्किन पे। जैसे मैंने फेस वॉश किया तो मैं सरोस्की का मैं ला कर दिखाऊँगी अभी आपको, एक मिनट। मैं ना सरोस्की का ये वाला क्लेंजर यूज़ करती हूँ और ये इसका स्क्रब है जो कि मैंने ये अभी यूज़ करना शुरू करा है। उससे पहले मैं लैक्मे का फेस वॉश करती थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये गोल्डन वाला फेस वॉश है इस पर कोई स्टिकर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए ये मेरे ख्याल से ग्लाइकोलिक वाला है, मतलब शायद ग्लाइकोलिक इल्यूमिनेट ऐसे कुछ करके नाम है शायद इसका, ठीक है। तो ये वाला मैं फेस वॉश से पहले यूज़ करती थी, ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी मैं ये कह रही थी कि हाँ, फेस वॉश हो गया एंड देन मैं लगाती हूँ अपना सनस्क्रीन। और मैं सनस्क्रीन अभी जो मैं लगा रही हूँ वो मैं ये वाली सनस्क्रीन लगा रही हूँ, डॉट एंड की वाटरमेलन वाली। इससे पहले अगर किसी ने देखा होगा तो ये पिंक कलर की बॉटल में एक आती है क्रीम, वो एक्वालॉजिका की, तो मैं एक्वालॉजिका वाली सनस्क्रीन लगाती थी। क्योंकि आपको ना मतलब प्रोडक्ट्स ऐसे लगाने हैं जो ना मिनरल मतलब वाटर या ऐसे उससे रिलेटेड हो और मतलब नॉन कोमेडोजेनिक जो होते हैं वो, तो मैंने ये वाली सनस्क्रीन मेरे को बहुत सूट करी है, ठीक है। इससे पहले मैं एक्वालॉजिका लगा रही थी, वो तो मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ तो वो भी मेरे को सूट करी। और उससे पहले मैं लगा रही थी फिक्स डर्मा की तो मेरे को दी बेस्ट लगती है सनस्क्रीन, ठीक है। वो मैं दोबारा मंगाऊंगी क्योंकि मेरी अभी ये यूज़ हो रही है तो अभी ये ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं फिक्स डर्मा ही मंगाने वाली हूँ। क्योंकि फिक्स डर्मा की ना जो मतलब उसका टेक्स्चर है स्किन पे वो बहुत ही अच्छा है, और जो मतलब होता है ना कि जो डॉक्टर की एडवाइस से बने हुए, तो मतलब डॉक्टर शीत वाली भी अच्छी है। डॉक्टर शीत में एक आती है मिनरल करके सनस्क्रीन, वो बहुत अच्छी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब ब्रांड्स होती है ना तो वो आपको यूज़ करनी चाहिए। बाकी तो ये डॉट एंड की और एक्वालॉजिका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग है, जो आपको फीजेबल लगे या सुइटेबल लगे आपके ब्रैकेट रेंज के हिसाब से तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दी बेस्ट तो मेरे को अभी तक की अपनी वही लगी फिक्स डर्मा वाली, वो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी। और अभी वो मेरे पास उसके बाद दो रखी हुई थी ना, ये वाली एक एक्वालॉजिका रखी हुई थी, उसके बाद ये रखी हुई थी, अभी नई मैंने निकाली है। तो ये जब ओवर हो जाएगी तो मैं वही मंगाऊंगी दोबारा से। और बाकी आप डॉक्टर शीत की भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सनस्क्रीन के बाद मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बताती हूँ क्या करती हूँ, मतलब हल्का सा कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे को वीडियो वगैरह शूट करना होता है ना तो थोड़ा अच्छा सा लगता है फेस, तो मैं क्या करूँगी हल्का सा अपना ब्लश लगा लिया, ठीक है। मैं आपको ब्लश दिखा दूँ ये कौन सा है, ये है लैक्मे 9 to 5 वाला जो ब्लश है, ये मेरा ऑलमोस्ट मतलब बीच में से तो बिल्कुल खाली ही हो गया, ख़त्म हो गया है। बट ये इसका शेड ना बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये आप देख लेना शेड इसका, ये वाला मंगाया मैंने, तो ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से ना बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ नहीं है, हल्का सा अपना ब्लश लगाया, दैट्स
इट ठीक है। आईब्रोज वगैरह में मैं फिल नहीं करती हूँ, मतलब मेरे में आलस कर जाती हूँ, जो वीडियोज़ बनानी होती है तो मैं फिल कर लेती हूँ, वो भी कुछ नहीं है, मेरे एक आई शेडो पैलेट है मैं उससे कर लेती हूँ। आईब्रो फिलर के लिए मैं पहले तो यूज़ भी करती थी मैं अलग 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 अलग, सबसे पहले तो मैं मिनेसो से लेके आई थी, वो ज़्यादा अच्छा था, बट उसके बाद वो आना बंद हो गया था, बट वो बेस्ट था तो उससे मैं फिल करती थी। उसके बाद मैंने और अलग अलग से ट्राई किए, बट मैं भूल गया मैं कौन सा ट्राई करती हूँ, बट अब नहीं, अब तो मैं खैर आई शेडो से वो फिल कर लेती हूँ। और बाकी अपना मैं लिप बाम लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो वैसलीन का पिंक वाला लिप बाम आता है ना, मैं लेके आती हूँ मैंने, जो ये है वैसलीन का जो लिप बाम है ये लगाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रोजी लिप्स, तो ये लिया हल्का सा लगा लिया ठीक है। उसके बाद मैं जब मेरे को टिंट लगाना होता है ना हल्का सा, तो ये मैंने मंगा रखा है, मतलब पहले तो मैं सिर्फ वही लगाती थी वरना और पेंसिल लिप शेड लगा लेती थी, बट नाउ आई एम यूजिंग दिस, ये टिप्सी ब्यूटी का है, जो पीएच लेवल के अकॉर्डिंग आपका लिप कलर बैलेंस करता है ना वो है ये। अभी थोड़ी देर में ना इसमें कलर आ जाएगा, शिट गिर गया, टूट ना गया हो मेरे हाथ से, चीज़ें इतनी गिरती हैं ना बाबा रे, पता नहीं क्या ही दिक्कत है ठीक है। ये है मैं अपना ऐसे ही स्किन प्रेप करती हूँ, दैट्स इट। और एक लगाएंगे छोटी सी बिंदी, अरे अभी देखती हूँ मैं, नीचे ना झुका नहीं जा रहा है एकदम से, तो आराम से उठ के, क्योंकि मेरे रैक में है सारी बिंदी बॉक्स में, तो वो लुक के रुक के मैं आराम से भी लगाऊंगी बिंदी। तो ये मेरा रहता है मतलब स्किन केयर का, और जो बॉडी पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ वो फिलहाल मैं विश केयर की लगा रही हूँ, ये वाली जो है निया सेरामाइड वाली, तो ये मैं बॉडी के लिए बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ विश केयर का सनस्क्रीन। इसमें कोई ना स्मेल या मतलब सॉरी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है, और काफ़ी अच्छी है ये स्किन के लिए। एंड और मैं क्या यूज़ करती हूँ, और कुछ भी नहीं मतलब एज सच तो नहीं, बाकी बस यही है जो मैं डेली रूटीन करती हूँ अपना, तो ये मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन है। और बाकी मैं आपको अगर कुछ ध्यान आएगा, मैंने कुछ मिस आउट करा तो आप मेरे को बता सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है या कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूंगी, आप मेरे से क्वेश्चन करिए मैं कमेंट्स में बता दूंगी, या ब्लॉग के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगी, तो यू कैन कॉमेंट बिलो जो भी आपके क्वेश्चन हैं, और मेरे इस ब्लॉग में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या आने वाले ब्लॉग में आपको बता दूंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें अलग से और यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको जो भी जाननी हो। तो ये मेरा बेसिक रूटीन है, जो मेरा बेसिक स्किन केयर रूटीन है वो मैंने आपको बताया है। ओके बिल्कुल रेडी, अभी चलते हैं बस नीचे, निकलेंगी भी अपना मतलब किटी के लिए, तो अभी हम चलते हैं नीचे। भगवान जी बता दिए मैंने ये वाली पोशाक सबकी पिंक पिंक पिंक, क्योंकि हमारे पास है तो सबकी मैंने मैचिंग निकाल ली। भगवान जी करा रहे हैं स्नान, बनाएंगे भगवान जी को उनकी माला, ये हो रहा भगवान जी का श्रृंगार। उनके केश, उनके कड़े, अरे मैचिंग कड़े भी थे ब्लू, पता नहीं वो कहाँ है। उनकी बांसुरिया, हमारी पूजा हो गई है।
आप सब लोग व्यार्थी ले लीजिए। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक आज कितनी सुंदर लग रही है। हमारे कन्हैया जी, मैंने सबके वस्त्र चेंज कर दिए, सबके थे पिंक, जो कलर होता है ना फिर मैं वो चेंज कर देती हूँ जिस दिन पहनना होता है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, प्रभु सबको आशीर्वाद देना। तो जी गौर साहब अब जा रहे हैं और हमारी खुशी दी भी जा रही हैं साथ में, क्योंकि उनको कल ऑफिस है उनका। तो गौर साहब और खुशी दी दोनों जा रहे हैं अब नोएडा का काम है। दुल्लू अंदर ही रहना बेटू, तब ये लोग निकल रहे हैं। बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, अब क्या अब तो सब भरा हुआ है, तेल तो पूरा ही है, जाओ तेल पूरा है ना, मैंने कल रात डलवा के लाया हूँ। हाँ तो क्या हो गया, रोटी हर समय तरफ तो बड़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाटा राम राम दोनों जाने, बाय बाय। पर पते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शिवी बहुत मेहनत कर रही है, शिवी इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, उनको ध्यान रखना। चलो चलो जाओ, बाय, आई लव यू। इसे देखो, इसे पता है ना कि माँ जा रही है, माँ रेडी हो रही है, तो अभी यहाँ आके बैठ गए। दुल्ला माँ कहाँ जा रही है, कितना मासूम लग रहा है मेरा बेटा। मेरा मम्मा भी आ रही है, अभी आ रही मम्मा थोड़ी देर। दुल्ला कैसे देख रहे हो आप माँ को, इसे जब पता लग गया कि मैं कहीं जा रही हूँ फिर क्या मजा आ जाएगी। फिर जब माँ भी जा रही है, माँ जा रही है किटी पार्टी में अपनी, आज माँ की किटी है। आज माँ की टाटा बाबा है। तो माँ भी जा रही है किटी में, भैया छोड़ने जा रहे हैं, फिर भैया छोड़ के आ रहे हैं। बस मोबाइल लाई नहीं है, मोबाइल अंदर है, मैं ला रही हूँ। तो हम अब इतने कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। आज मैंने आलू प्याज के पराठे, और मैं सुबह बनाना शेक पी चुकी हूँ, कम से कम 2 ग्लास बनाना शेक पी गई मैं, क्योंकि कभी कभी जब ऐसा मन करता तो भी पी लेती हूँ मैं। तो जी भैया लेके आए मेरे लिए चीज़ केक चॉकलेट का, चीज़ ही चीज़ है इसमें। ये देखो ये आके डुला डुला ये ऐसे लेटता है, मैं कैसे लेटूँ। डुल्लू बेबी, डुल्लू मेरा बच्चा, डुला ए डुला डुला, इधर आजा इधर आजा। तो जी आज मैं नीचे बैठ के ब्लॉग बनाने लगी, कि मेरे से ना बेड पे भी नहीं बैठा जा रहा, मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ सच बताऊँ तो, मेरे को बहुत पेन है नीचे। तो इस वजह से मैंने सोचा उस टेबल पर बैठ के यहीं ब्लॉग बना लेती हूँ और नीचे ही काम कर लेती हूँ। तो यहीं ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ अपना पूरा, और उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। मतलब नींद भी आ रही है बहुत तेज़, बट अब ये है कि काम कंप्लीट कर लूँ पहले, उसके बाद मैं सोऊंगी, अब अपना रेस्ट करूँगी। तो जी मैं आ गई थी ऊपर, बस चेंज किया, ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, बस लास्ट का वो क्लिपिंग डालनी रहती है ये वाली। तो बस अपना ब्लॉग एडिट करके अब मैं सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है एंड नींद भी आ रही है बहुत तेज़। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।